नंद गणपति महाराज की जय। मुक्तेश्वर भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोट समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्य यजमान कार्य सर्वदा सुमं क्षेमं कल्याणं आरोग्यं ऐश्वर्यं निर्विघ्नेन कृतोद्भव। पूजन प्रारंभ। श्री ऋण मुक्तेश्वराय नमः। आइए भगवान ऋण मुक्तेश्वर की पूजा में जुड़े सभी भक्तों को व सभी समस्त जुड़ने वाले यजमानों को मेरा भावभरा प्रणाम। सभी से निवेदन है कि आप सभी की पूजन के लिए जो कार्य हम कर रहे हैं, बाबा ऋण मुक्तेश्वर के चरण सानिध्य में बैठ करके इस पूजन को हम संपन्न करेंगे। अवंती का उज्जैन तीर्थ धाम में बैठ करके व वाल्मीकि धाम क्षेत्र में स्थित इस पूजन के संपूर्ण भाव और भक्ति के साथ में विद्वान पुजारियों के द्वारा इस पूजन को हम संपन्न करते हैं। भगवान श्री ऋणमुक्तेश्वर की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे, यही भाव लेकर के भगवान श्री ऋणमुक्तेश्वर के चरण सानिध्य में बैठकर के इस पूजन को हम संपन्न करेंगे। प्राचीन स्थान जहाँ की बैठ करके इस पूजन को हम संपन्न करते हैं, स्वर्गत के माँ शिप्रा के तट पर बैठ करके हम पूजन को विधि और पूर्वक संपन्न की जाती है। आइए आप सभी जुड़ें भाव और भक्ति के स्वाद में। वामा एप्स ऑनलाइन के माध्यम से इस पूजन को हम संपन्न करेंगे। आप सभी भक्त मेरे साथ पूजा में जुड़े, पूजा में संपूर्ण भक्ति भाव के साथ में इस स्थान इस वेदिका का आप दर्शन करें व पूजन को संपूर्ण भक्ति भाव के साथ में आप सभी भक्त जुड़ करके और मेरे साथ इस पूजन में भाग लीजिएगा। सबसे पहले पूजन में हम प्रवेश करें, पूजन में प्रवेश करने से पहले पवित्रीकरण किया जाता है, जो कि हमारे सम्मुख में पंडित जी बैठ करके पवित्रीकरण करेंगे आप सभी के निमित्त के द्वारा। वाम हस्त जलम गृहित वाहन जल स्पर्शा पवित्र पवित्र तीन बार जल ग्रहण करेंगे सीधे हाथ में लेकर के भाव और भक्ति के साथ में। तीन बार जल ग्रहण करने से हमारे अंदर की अंतरात्मा व हमारे अंदर की अंतरात्मा की शुद्धि होती है। तीन बार जल ग्रहण करेंगे और हमारे मुख की शुद्धि करेंगे। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा। हाथ धोएंगे। गोविंदेति हस्तो प्रक्षाल्य हस्त शुद्ध्यार्थम। फिर हमारे आसन के शुद्धिकरण किया जाता है। देखिए पूजन में आसन का बड़ा महत्व होता है, जो कि पंडित जी ने कुशासन लगाया, कुशासन के नीचे वो अपना जो संध्या इत्यादि पूजा पाठ करते हैं वो आसन उन्होंने ग्रहण कराए, उस आसन को हम पवित्रकरण करेंगे। भारत भूमि पर बैठकर के इस कार्य को हम संपन्न कर पाते हैं, इसलिए सबसे पहले भूमि को प्रणाम करेंगे। जल छिड़िए। ओम पृथ्वी त्वय धृता लोका देवी त्वम विश्वनाथम चधारय मां देवी पवित्रम कुरुचासनम आधार सत्य भारत भूमि नमो नमः। शिखा वंदनम। शिखा सूत्र जो हमारा होता है वैदिक हिंदू सनातन धर्म का विस्तृत स्तंभ है, जो कि हमारे सनातन में इसका बड़ा महत्व है। ये नहीं है तो कोई पूजन संपन्न नहीं की जाती है, इसलिए सनातन में शिखा का बड़ा महत्व होता है। हम शिखा वंदन करेंगे मंत्रोक्त के द्वारा। ओम मानसो के तनये मानायु के मानो गोपी मानस्मे मंत्र सदा शिखा वंदनाते हस्तो प्रक्षाल्य हस्त शुद्ध्यार्थम। आप सभी भी यदि जुड़े हुए हैं तो अब आसन लगा करके बैठे हमारे साथ में भाव और भक्ति के साथ में पूजन को संपन्न करेंगे। अब अपने मन में ओम राम रामाय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर नमः इति मंत्र का जप करते हुए इस पूजन से जुड़े और भाव और भक्ति के साथ में अपने कुल देवी का नाम भी स्मरण करें। आपको पता होगा शारदीय नवरात्र भी अभी चल रहे हैं और नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ शक्ति की उपासना की जाती है, बिना शक्ति के कोई कार्य नहीं किया जाता है। इसीलिए भगवती शक्ति की आराधना करते हुए हम भी भगवती महालक्ष्मी से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे द्वारा जो पूजन किया जाता है, इस पूजन को संपन्न करने से पूर्व हमारे ऊपर कर्ज होता है, ऋण मुक्ति पूजन के लिए ही हम इस पूजन को संपन्न कर पाते हैं। वहाँ कहा जाता है कि शक्ति के बिना भी हमारा कोई कार्य नहीं हो पाता है, तो भगवती महालक्ष्मी जो कि गणेश जी के साथ में विराजमान है, वही भगवती महालक्ष्मी गणेश जी के पूजन के साथ में उनका पूजन निर्विघ्नता पूर्ण संपन्न किया जाता है। शक्ति की उपासना क्यों की जाती है? जीवन में शक्ति का होना भी बड़ा महत्व है, बिना शक्ति के शक्तिमान भी अधूरा रहता है। इसलिए शक्ति के साथ में गणेश जी के पूजन का यह विधान होता है कि रिद्धि सिद्धि के साथ में भगवती महालक्ष्मी जो है गणेश जी के साथ में आकर के विराजमान होती है। हमारे द्वारा तीन प्रकार के ऋण होते हैं, पितृ ऋण, गुरु ऋण व हमारे द्वारा जो चढ़ा हुआ ऋण है। इस ऋण से भी मुक्ति के लिए हम भगवान की पूजन करते हैं। सबसे पहले भगवती महालक्ष्मी की उपासना का विशेष महत्व ये कारण से होता है कि भगवती लक्ष्मी जो है वो नारायण की प्रिया है, और नारायण की प्रिय होने के कारण कलयुग में आर्थिक धन की भी हमको प्राप्ति होना चाहिए। आर्थिक धन के बिना ये कार्य भी हम संपन्न नहीं कर पाते हैं, इसलिए आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति के लिए व
ईएमआई कर्ज लोन जितने भी हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, इन सबकी मुक्ति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। वह भगवान ऋणमुक्तेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि जीवन में समस्त दारिद्र का विनाश हो। हमारे द्वारा जन्म कुंडली में स्थित दोष है, दारिद्रता है, विकट संकट स्थिति है, इन सबका निवारण होकर के धैर्य स्थिरता लाभ प्राप्त हो। हमको यही प्रार्थना करते हुए हम ऋणमुक्तेश्वर के चरण सानिध्य में बैठ करके इस पूजन को संपन्न करते हैं। वामा के द्वारा यही प्रयास किया जाता है कि समस्त भक्तों को जो जितने भी कष्ट है, संकट है, दुख है, दारिद्र्य, इन सबका निवारण होकर के भगवान से ऋणमुक्तेश्वर के चरण सानिध्य उनको प्राप्त हो। यही प्रयास करते हुए सीता का विशेष महत्व होता है। मस्तक पर तिलक भी धारण किया जाता है, हाथ में कलव होता है, सनातन धर्म के स्तंभ है। यदि ये नहीं है तो सनातन धर्म में कुछ नहीं है। इसलिए सनातन में सबसे पहले तिलक का महत्व है। हम तिलक धारण करेंगे, हमारे सम्मुख में पंडित जी बैठे हुए हैं, वो तिलक लगाएंगे। ओम स्वस्ति ना इंद्र हो व्रत श्रवा स्वस्ति ना वैदिक सनातन हिंदू धर्म में चार वेद होते हैं। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन्हीं वेदों के द्वारा हम मंत्रों को बोल पाते हैं। और मंत्र क्या है? बोले मंत्र हमारे दृष्टा है। ऋषि क्या है? जो रिसर्च करते हैं। जिन ऋषियों ने रिसर्च कर करके हमारे वेद है, धर्म है, हिंदू जो भी लिखा है, ग्रंथ लिखा है, सब रिसर्च करके लिखा है, उन्हों के पास पहले जो थी वो पद्धति के अनुसार वो अपने ध्यान और स्मरण से वेदों को लिखते थे। और उन वेदों को लिख करके जब वो रिसर्च करते थे तो उन मंत्रों का प्रादुर्भाव हो जाता था। वैसे ही सनातन धर्म में जो कि ऋषियों ने हमारे ने जो मंत्र लिखे उन मंत्रों के द्वारा हम भगवान का आह्वान करते हैं। देखिए देवम भूतवा देवम यजेत, देवता को देवता बनकर के ही पूजा जाता है। कैसे पूजा जाता है कि जैसे देवता की जो गणवेश होती है उस गणवेश में हमको बैठना होता है। देवता हमेशा आपने देखे होंगे फोटो के माध्यम से या किसी भी पवित्र स्थल पर जाकर के जो मूर्ति स्थापित की जाती थी उस मूर्ति में देवताओं को जो गणवेश दी जाती थी वो सिर्फ धोती है, कुर्ता है या अन्यत्र चीजों को धारण करते थे और अपने मस्तिष्क पर तिलक होता था। ये सब देवता की ही पद्धति है। यानी देवता को देवता बनकर के ही पूजना चाहिए। हम देवता को देवता बनकर के ही पूज रहे हैं। हमारे सम्मुख में पंडित जी बैठे हैं, आप देख रहे हैं, सभी विप्र देवताओं के दर्शन कर रहे हैं। इन्होंने भी धोती कुर्ता इत्यादि धारण कर रखा है। क्या है ये सब? देवता बनकर के। क्यों? क्योंकि देवता को देवता के स्वरूप में ही पूजना हमारे लिए हमारे धर्म में हमारे शास्त्र में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर पेंट में बैठ करके, शर्ट पहन करके, ये चीजें इत्यादि जो है निषिद्ध की गई है। हमारे धर्म में इनको मान्यता नहीं दी गई है। दूसरा, हमारा जो धर्म कहता है कि मंत्र किसके अधीन होते हैं? बोले मंत्र ब्राह्मणों के अधीन होते हैं। बोले देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ये जगत जो है देवता के अधीन है और देवता जो है किनके अधीन है? बोले देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र किनके अधीन है? बोले मंत्र जो है ब्राह्मणों के अधीन है। ये सूत्र दिया गया है हमारे शास्त्र में कि देवम भूर्वा देवम यजेत देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए ब्राह्मण ही इस कर्म को संपन्न कर पाता है। आइए अब मंत्रों के द्वारा हम वेद के जो मंत्र है वो हमारे लिए कल्याणकारी और हितकारी होते हैं। जो भद्र, भद्र माने होता है कल्याण, जो भद्र शुक्त होता है वो हमारे द्वारा कल्याण की और हमको प्रशस्त करता है, वो मार्ग को देता है। इसलिए हम भद्र शुक्त के द्वारा देवताओं का आह्वान करेंगे और भाव और भक्ति के साथ में हम भद्र शुक्त का यहाँ पर वाचन करेंगे। अरे भगवान गणेश जी के सम्मुख में पुष्प अर्पित किया जाता है। वह दोनों कर बद्धों को यानी दोनों हाथों को जोड़ करके देवताओं को नमस्कार किया जाता है। आइए मेरे साथ आप भी नमस्कार करें। श्री मन महागणाधिपतये ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम। भगवान उमा और महेश्वर को प्रणाम किया जाता है। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। भगवान ब्रह्मा और ब्रह्माणी को प्रणाम किया जाता है। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः।
भगवान इंद्र और इंद्राणी को यहाँ पर प्रणाम किया जाता है। सती पुरंदराभ्याम नमः, अपने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया जाता है। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, अपने इष्ट देवता को प्रणाम किया जाता है। इष्ट देवताभ्यो कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान में जितने भी देवी देवता विराजमान है संपूर्ण जगत में जो स्थित है इस स्थान पर उन सभी देवताओं को हम प्रणाम करेंगे। आइए भाव और भक्ति के द्वारा भगवान श्री पितृश्वर के चरण सानिध्य में बैठ करके सभी पितरों के पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्ति के निमित्तार्थ भगवान पितरों को प्रसन्न करने के लिए हम सभी यहाँ पर एकीभूत होकर के सभी ब्राह्मणों के द्वारा हम इस पूजन को संपन्न करेंगे। पितृ देवता की प्रसन्नता हमको क्यों प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि बिना पितरों के हमारे कोई कार्य संपन्न नहीं होता। वंश को चलाने वाले, परिवार को आगे बढ़ाने वाले व हमारे समस्त पितर जो हमारे यदि प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन की समस्त उन्नति प्रगति के कार्य को अभिभूत करते हैं, और हमारे पितर प्रसन्न है तो हमारे जीवन में सभी आकांक्षाएं पूर्ण होती है। इसलिए पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए, भगवान पितृश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए हम आपके गोत्र और नाम से इस पूजन को संपन्न करेंगे। उससे पहले हम समस्त पितरों को प्रणाम करेंगे। ओम पितृभ्यः स्वदायभ्यः स्वदा नमः, पितामहेभ्यः स्वदायभ्यः स्वदा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वदायभ्यः स्वदा नमः, अक्षन्न पितरो मे मदन्त पितरो ते त्रिपन्त पितरा पितरा सुन्दतमः। ओम उसंतस्तवानिधि मज्जुसंतासमे धीमहि उसन्नुसता पितर्न देवतवेः भगवते पितृश्वराय नमो नमः। आइए मेरे साथ जुड़ करके अपने पितरों को नमन करते हुए, आपने देखा होगा पूर्व में अभी जो पितर पक्ष हमारा गया है उसमें समस्त पितरों के लिए हमने पूजन को यहाँ पर एकीभूत होकर के संपन्न करा था। वही पितृ देवता आपकी कृपा प्राप्ति के लिए समस्त पितरों के लिए व पितरों की प्रसन्नता के लिए नाम और गोत्र उच्चारण करूंगा। आपके पितरों के द्वारा इस पूजन को संपन्न की जाती है, जो कि हमारे पितर हमारे कुल को, हमारे कुल की वृद्धि को करने वाले, संतान प्राप्ति, जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती है, दारिद्रता होती है, दुख ग्रह बाधा निवारण के लिए हमारे पितरों की प्रसन्नता जरूरी होती है। इसलिए हम अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए इस पूजन को यहाँ पर संपन्न करेंगे। मैं हाथ में जल पुष्प अक्षत लेकर के अपने पितरों के द्वारा संकल्प उच्चारण करवाऊंगा। ओम अद्य पर्वोच्चारिताग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथो ममात्मना मम यजमानस्य मम यजमानस्य, मैं आप सभी के नाम उच्चारण करूंगा। लियांश गोत्र उत्पन्नो हम परिवार स्नानो हो मुकुल कैलास माहेश्वरी प्रीति मुकुल माहेश्वरी मम यजमानस्य कृष्ण गोत्र उत्पन्नो परिवार स्नानो मंजित और अनमिका राय अन्ना देवी शिव प्रसाद और अनिता रानी स्वयं राय विक्टर नेहराय और रानो प्रजापति है मम यजमानस्य मोहिल गोत्र उत्पन्नो हम परिवार से मनोज जांगिदा भूमिका हेमलता विश्वकर्मा लकुलीस भवानी शंकर मम यजमानस कौटिन्य गोत्र उत्पन्नो हम परिवार से नामनो श्रीराम जय सिंगर वर सिंधे काजल श्री राम सिंधे जय सिंह राव गणपत राव सिंधे वैष्णवी श्रीराम सिंधे कृति सिंह जय सिंह राव सिंधे है मम यजमानस भिंडा गोत्र उत्पन्नो हम हेमंत कुमार शर्मा राजेंद्र कुमार शर्मा मम यजमानस कौटिन्य गोत्र उत्पन्नो हम पति चंदन सिंह भंडारी पत्नी वसंती देवी भंडारी मम यजमानस पारसर गोत्र उत्पन्न हम शेखर छत्री अनिल तारा प्रधान ज्योति क्षति सुमति क्षति सरस्वती क्षति कमल क्षति मम यजमानस्य तारकनाथ गुप्ता कृष्णात्र दिव्या दिवाकरण कश्यप आनंद जैन मित्तल महेश इंद्र सिंह जगड़ा राजीव सैनी बाब कावल संदीप मनोहर सामंत कश्यप सुमित शर्मा गर्गस लाल स्वर्ण श्वेता झा कात्यायन नरसिंघा चंद्रप्पा बंगारी दर्शन कुमार वसंत सी के सांडिल्य अरुण शर्मा कौशिक रोहित भरद्वाज शशांक सतीश पाटकर कश्यप मनमीत कौर आदरा सुब्रतो सरकार भरद्वाज सूरज शर्मा वशिष्ठ समस्त यजमानों के द्वारा भगवान श्री पितृश्वर देवता का प्रसाद प्राप्त करते पितृ ऋण मुक्ति निमित्तार्थ पूजन कर्म हम करिष्ये। समस्त यजमानों के कार्य के निमित्त में हम पितरों के द्वारा व ऋण मुक्ति के लिए भगवान की पूजन को यहाँ संपन्न करेंगे। देखिए जल का विशेष महत्व होता है पूजन में, इसलिए हम पूजन के जो जल है उसमें भगवान वरुण का आह्वान करते हुए उनका आह्वान करेंगे। ओम तद्वाजामि ब्रह्मणा वंदमान द्राजाते यजमानो हरे अहेरमानो वरुणे अपदर्गो भगवते नमो नमः वरुण देवताये नमो नमः चतुर्वेद पूजनम् मह पूर्वे ऋग्वेदाये नमः ऋग्वेदं पूजयामि दक्षिणे यजुर्वेदाये नमः यजुर्वेदं पूजयामि
पश्चिमे सामवेदायन मा सामवेदम पूजयामि, उत्तरे अथर्ववेदायन मा अथर्ववेदम पूजयामि, कलश मध्ये पाम्पते वरुणायन मा वरुणं सम्पूज्य मत्स्य मुद्राच्छाद्यः भगवते नमो नमः। हे कमल नयन भगवान, मेरे इस जल को पवित्र करे, पावन करे, स्वभाव को लेकर के हम पूजन के जल को यहाँ पर भगवान वरुण का पूजन करके संपन्न करेंगे। वह भगवान वरुण से प्रार्थना करेंगे, हे वरुण इस जल को आप पवित्र करो, पावन करो। तस्मादुदकादुदकम् गृहीत्वा पूजा संभार प्रोक्षणम्। जल से प्रोक्षण। ओम पवित्र स्तो वैष्णव सवित्र महावृतभक्तूनां क्षितेन पवित्रेण सूर्य सरस्मि विहेतसते पवित्र पवित्र यहाँ पर वरुण का पूजन संपन्न किया जाता है। वरुण के जल को यहाँ जो जल का कलश है, इस जल में हमने वरुण का आह्वान करा। वरुण का आह्वान करने के बाद इस जल, इस पवित्र जल को हम भगवान के सम्मुख में रख करके इस जल को हम पूजन के योग्य बना सकते हैं। आइए अब हम जो स्थान हमने दिए हुए हैं, सबसे पहले आपके कुलदेवी का स्थान है, उनका पूजन करेंगे, फिर ऋणमुक्तेश्वर भगवान का और फिर नवग्रह भगवान का। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के आपकी कुलदेवी का स्मरण करेंगे, कुलदेवी से प्रार्थना करेंगे, हे कुलदेवी समस्त यजमानों के जीवन से संकट को निवारण करें। और देखिए आज जो उपासना पर्व चल रहा है, नवरात्रि नवरात्रा के पर्व में भगवती शक्ति की उपासना चल रही है, और शक्ति की उपासना के माध्यम से हम आपकी कुलदेवी का आह्वान करेंगे और भाव और भक्ति के साथ में कुलदेवी से प्रार्थना करेंगे, हे कुलदेवी मेरे समस्त यजमानों के जीवन के संकट को हरें, वरण से मुक्ति उनको आस्ते रिश्ते तक की प्राप्ति हो, इस भाव लेकर के भगवती से प्रार्थना करेंगे। जीवाग्रमादाय करेण देवे वामेन शत्रून् पति नयन्ते गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराड्यम् द्विभुजं नमामि। भगवते नमो नमः जगदम्बाय नमो नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवते कुलदेव्ये नमो नमः सर्वोपचाराते गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि। किसी उठा करके भगवती को अर्पण, देखिए भगवती को वस्त्र हम अर्पण करेंगे, भाव और भक्ति के साथ में आप उच्चारण करें और भगवती से प्रार्थना करें, हे भगवती हमारे दिए हमारे द्वारा जो दिया हुआ वस्त्र है उसको आप ग्रहण करें। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि। भगवती जगदम्बाय नमो नमः वस्त्रो वस्त्रम समर्पयामि प्रणमामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि। फिर भगवान ऋण मुक्तेश्वर का आह्वान करेंगे, हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के उनका ध्यान करेंगे। वंदे देव महापतिं गुरु वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पते वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दनयनं वंदे मुकुन्दप्रिया वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदा वंदे शिवं शंकरं। भगवते ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः ध्याय ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि। फिर भगवान नवग्रह देवता, जीवन में नवग्रह का भी बड़ा विशेष महत्व है, बिना नवग्रह के भी हमारी कुंडली अधूरी है, इसलिए सूर्य चंद्र बुध राहु केतु जितने भी देवता हैं, जितने भी ग्रह हैं, उन समस्त ग्रहों के निवारण के लिए भगवान श्री नवग्रह देवताओं का ध्यान करेंगे। सूर्य सूर्य मतंदर चीषण मंगल मंगल सदबुद्धि च बुधो गुरु स गुरुता शुक्र शुकने राहुल बाहुबलम करोत विपुलम केतु कुल शून्यते मृत्यु प्रीति करा भवन्तु ममते सर्वे नुकूलम ग्रह। भगवते नमो नमः नवग्रह देवताय नमो नमः जय ध्यानार्थ इच्छित पुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि। इनकी शीटे दीजिए सुपन। गंगे स्वयं चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिः कुरु। भगवते नमो नमः पाद्यस्तम्भे आत्मीयं सर्वांगेषु स्थानं जलं समर्पयामि। पुष्प गंधाक्षत के चढ़ाइए। भगवते नमो नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि।
फलों से हाथ लगा लीजिए। भगवते नमो नमः नाभ्यासे दंतर्षगुं सृष्णो द्योः समूर्धधाप्रद्यां भूमतिसाकोत्रादधानुकाकल्पयन् भगवते नमो नमः नैवेद्यं निवेद्यामि नैवेद्यं देयाचनं समर्पयामि पुष्पाच्छादितं भगवते नमो नमः धेनुमुद्रां मर्दिकतग्रासं संप्रदर्शयत् भगवते पुनरपि आचनं समर्पयामि मिष्टान् सोपार नैवेद्यं निवेद्यामि। देखिए भगवान को फल का नैवेद्य, यह फल है जो है ऋतु फल के रूप में हमारी पूजा में योग्य होते हैं, वह भगवान को मिष्टान्न का नैवेद्य अर्पण किया जाता है। उस प्रकार हमारे जीवन में हमारे संबंधों में मधुरता बनी रहे, ये भाव लेकर के हम भगवान को अर्पण करेंगे। ओम सकर खंड कार्याने दरेक्षेरंताने च आहारं भक्ष भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। जल छोड़िए भगवान को पुष्प की माला हमने जो पहना रखी है वो आपके द्वारा हम उनको भगवान को अर्पित कर रहे हैं। ओम माल देने सुगंधेने माल त्यादिन में प्रभु मेरे दान पुष्पानि पूजाताम प्रतिगृहीताम पुष्पम पुष्पमालाम समर्पयामि। चल लीजिए अने नगदे पूजा के कर्मण सांगद सिद्धादे भगवान त्रि आवत स्थापित वेदिक पीठेभ्यो नमो नमः। छोड़ दीजिए, देखिए वो जो पीत दान रखा है उसको उठा लीजिए। आइए अब हम जो भगवान को ऋण मुक्तेश्वर के द्वारा आराम से उठा लेंगे, ऋण मुक्तेश्वर भगवान के चरण सानिध्य में हम जाएंगे, वहां जाकर के हम ऋण मुक्तेश्वर भगवान का पूजन संपन्न करेंगे, वह उनको पीत दान अर्पण करेंगे। पीत दान का विशेष महत्व यहाँ पर होता है जो कि इसमें स्वर्ण है, दाले है, पीत वस्त्र है, श्रीफल है, ये सभी चीजें भगवान को अर्पित करने के बाद में फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऋण मुक्तेश्वर देवता से प्रार्थना करते हैं कि हे ऋण मुक्तेश्वर देवता उन समस्त यजमानों के जीवन में कल्याण हो, मंगल हो, उनका अमंगल दूर होकर के उनको पूर्ण फल की प्राप्ति हो, ये भाव लेकर के हम भगवान ऋण मुक्तेश्वर के चरण में सानिध्य में हम पहुंचेंगे। भगवान से ऋण मुक्तेश्वर के चरण सानिध्य में हम पहुंचेंगे, भाव भक्ति के स्वाद दर्शन करते हुए इस स्थान का पहले आप दर्शन करें। हमने जो स्थान दिया गया है वैदिक पीठिका यहाँ पर दी गई है उसका आप दर्शन करें और भावपूर्ण भक्ति के द्वारा प्राचीन बरगद जो है इसके नीचे बैठ करके हम इस पूजन को संपन्न कर रहे हैं। यहाँ का वातावरण आप देखिए, प्राचीन समय में राजा हरिश्चंद्र ने अपने कर्ज से ऋण मुक्ति के लिए, आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति के लिए व समस्त ऋणों से उन होने के लिए यहाँ पर पूजन संपन्न करी थी। वह हमारे ऋषि मुनियों ने इस स्थान पर पूजन करने के बाद में इस पूजन के हमारे स्थान को चैतन्य किया। माँ क्षिप्रा के तट पर बैठ करके हम इस पूजन को संपन्न कर रहे हैं। आइए मेरे साथ में आप दर्शन करें, ये प्राचीन बरगद है, इसका दर्शन करते हुए आप सबसे पहले नंदीश्वर द्वार से हम अंदर प्रवेश करेंगे। भगवान नंदी को प्रणाम करते हुए वह नंदी द्वार से अंदर प्रवेश करते हुए ऋण मुक्तेश्वर भगवान के महादेव के चरण सानिध्य में हम पहुंचेंगे और भाव और भक्ति के द्वारा उनका पूजन यहाँ पर संपन्न करेंगे। आइए आप ऋण मुक्तेश्वर भगवान के दर्शन करें। हाथ में हम सबसे जल लेते हैं, हाथ में हम सबसे पहले भगवान ऋण मुक्तेश्वर के चरण सानिध्य में पहुंच करके भगवान ऋण मुक्तेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ऋण मुक्तेश्वर देवता जो आर्थिक स्थिरता, ईएमआई लोन इत्यादि जो है समस्त कर्जों के निवारण के लिए भगवान को यहाँ पर पूजन संपन्न की जाती है। ओ मध्य प्रभुचार्य गुणगण विशेषण विशेषता समस्त यजमान कृपा प्रसाद प्राप्त करते ऋण मुक्ति पूजन कर्म हम करिष्ये। ध्यान कीजिएगा अवंतिकायाम मुक्ति प्रदान जनान अकाल मृत्यु परिणाथ वंदे महाकाल महासुरेश। जल की धार भगवान के ऊपर लगाएंगे। ओम गंगेशम ने जेवा गोदावरे सरस्वती गर्भदेशम भोगावरे गलेशम गने धे गुरु भगवते नमो नमारे मुक्तेश्वराय नमः पाद्यस्तम गयात्मनं सर्वांगे सुस्थानं गिरं समर्पयामि। फिर भगवान का दूध की धारा के द्वारा हम अभिषेक संपन्न करेंगे भाव और भक्ति के द्वारा। हरे ओम ओम नमस्ते रुद्रमण्यवोदोदय कवे नमः महाभाग्यामदीन महाजादुर्गसुभाकर्मण घोरा पापकासिनी सर्वाजाजे
भगवते नमो नमः हरे मुक्तेश्वराय नमो नमः दुग्धधारा पया धारम समर्पयामि अमृताभिषेको अस्तु अमृताभिषेकः शुद्धोपद जल से भगवान को स्नान करवाइएगा। कौन सत बाला सर्व सत बालो बने वाला काश में रहता है तेजा तुम सब का सुदे कर मैं जाप का उग्र भोरु का पारगण्यः शुद्धोद जल स्नान समर्पयामि शुद्धोद जल स्नान ते भगवते नमो नमः एक तंत्रेण सर्वोपचाराथे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि भगवते नमो नमः हरे मुक्तेश्वराय नमो नमः। फल अर्पित करे भगवान को ओम अहिर्वा भोगे पर जेतु मा हम जाया है दिन परिवाद मा रासा को सुपर दान दुर्गान कुम परिपात उसका पीत दानम समर पयाम हे समस्त यजमान है तू। भगवान से प्रार्थना करते हुए हम आपके द्वारा जो दान दिया गया है भगवान ऋणमुक्तेश्वर के चरणानंद में अर्पित कर रहे हैं। भगवते नमो नमः हरे मुक्तेश्वर आये नमो नमः पीत दानम समर्पयामि जल छोड़िएगा आचमनी अंदरम समर्पयामि हे जल की आरती भगवान के सम्मुख में कीजिएगा। ओम कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम हजेन्द्र हारम कलाव संबंध यार भवम भवानी सहितम नमामि जले नारातिकम समर्पयामि मंत्र पुष्पांजलि हे। ओम ऋण मुक्तेश्वराय विद्महे सुभद्र रूपाय धीमे तन्नो ऋण मुक्तेश्वर देवता प्रचोदयात। भगवते नमो नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि प्रणमामि प्रार्थना पूर्वकम नमस्कार करोमि बोलिए ऋण मुक्तेश्वर भगवान की जय। शिवरे महारानी की जय। वीरभद्र भगवान की जय। नंदेश्वर भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। आइए आप सभी भगवान ऋणमुक्तेश्वर के दर्शन करें। भाव और भक्ति के द्वारा हम नंदी द्वार से पुनः बाहर की ओर प्रस्थान करेंगे। भगवान नंदी से प्रार्थना करेंगे कि हे नंदीश्वर मेरे समस्त यजमानों के जीवन में कल्याण हो। ये भाव लेकर के हम नंदी का पूजन करेंगे व नंदी से प्रार्थना करेंगे कि समस्त यजमानों के जीवन में कल्याण बना रहे। ये भाव लेकर के हे नंदीश्वर समस्त यजमानों की कामना पूर्ति करें। हमारे द्वारा पंडित जी के द्वारा आप सभी की कामना है तो भगवान नंदीश्वर से प्रार्थना की जा रही। नंदीश्वराय नमो नमः। आइए इस प्राचीन स्थान के आप दर्शन करें भाव और भक्ति के द्वारा। देखिए माँ क्षिप्रा पावन चरण सानिध्य भगवती राज राजेश्वरी जो माँ क्षिप्रा उत्तर वाहिनी उसके तट पर बना हुआ ये ऋण मुक्तेश्वर भगवान का महामंदिर है। इस मंदिर जो प्राचीन समय से यहाँ पर स्थित है और राजा हरिश्चंद्र ने यहाँ पूजन करने के बाद इस स्थान को पवित्र व स्थल बनाया। ऋषि और अनंत संतों ने यहाँ पर तपस्थली के रूप में राजा भर्तृहरि जी हुए इन सब ने इस स्थान को चैतन्य बना करके पूजन को संपन्न करवाया। आप वीरभद्र भगवान के दर्शन करें प्राचीन बरगद का दर्शन करें यहाँ पर स्थित महादेव के दर्शन करें व शिव महापुराण में लिखित स्थित इस दिव्य पूजन को स्वीकार करने के बाद 71 पीढ़ियों का उद्धार होता है। ये भाव लेकर के यहाँ पर शिव महापुराण का एक महत्व दिया गया है वो श्रवण करते हुए आप उसके दर्शन करें और भाव और भक्ति में जो गो माता का दिव्य वातावरण है इसका दर्शन करते हुए पुनः हम पूजन की ओर अग्रसर होंगे। आइए पुनः हम पूजन की ओर चलते हैं। बोलिए ऋण मुक्तेश्वर भगवान की जय। आइए भगवान ऋण मुक्तेश्वर के चरण सानिध्य में पहुंच करके हमने पूजन का अभिषेक करा पुनः हम पूजन के स्थल पर आए। अब भगवान सभी विधिवत दिन देवता देवी देवताओं का हमने पूजन करा था उनका हम आरती करेंगे। आरती लगाइएगा। भगवते नमो नमः ओम कर्पूर गौरम करुणा अवतार संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय भवं भवाने सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव आरार्तिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्य देवं दर्शयेत्
सभी देवताओं को आरती देने के बाद आप स्वयं ग्रहण कीजिएगा, कर दीजिए। भगवते नमो नमः प्रणमामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि। आरती रखने के बाद भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सुमन सुगंधित सुमनले सुमन सुभक्त सुजान पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि प्रणमामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि। बोली महाकालेश्वर भगवान की, हर सिद्धि महारानी की जय। ऋण मुक्तेश्वर भगवान की जय। सुप्रे महारानी की जय। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के सनातन धर्म के आज के आनंद के पार्वती बटे हर हर महादेव। भाव और भक्ति के द्वारा इस पूजन को हमने संपन्न करा। आप सभी के कल्याण के लिए, आप सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पुनः हम भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए इस पूजन को विश्राम की ओर अग्रसर करते। ओम शांति हे शांति हे शांति हे। मंत्र एनम क्रिया एनम भक्त एनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे।